चलो भाई फेयरिंग आ गई है बाहर। ये देखो ये चार पाइप जो है ये आ रहे हैं इंजन से, मतलब हेड से। ये लो इसको खोल देते हैं। 1 2 3 ये आ चुका है बाहर। ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। भाई पीछे लगी है अपनी ZX10R और भाई ये इंडियाज़ की लाउडेस्ट ZX10R थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। इस पे लगा था भाई ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट, जो कि यहाँ पे देख लो सरप्राइज मेरा आ चुका है, एग्जॉस्ट आ चुका है जो कि मैंने मंगाया भाई मोटो किंग से, और साथ में फ्रेम स्लाइडर भी मंगाया है क्योंकि मेरी फ्रेंड की 10R गिर गई थी तो साइड की बॉडी वगैरह टूट गई थी। आपको एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और कौन सा एग्जॉस्ट है ये अभी सरप्राइज है, दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये वाला एग्जॉस्ट को भी खोल देते हैं और पहले इसकी आवाज़ सुन लो यार एक बार, लास्ट आवाज़। बाकी कमेंट करोगे तो फिर से ये लगा देंगे, ठीक है। अभी ओपन कर दे रहे हैं और ये नया वाला एग्जॉस्ट है, ये आपको दिखाएंगे। तो मुझे लग रहा है इसकी फेयरिंग को भी खोलना पड़ेगा, अगर नहीं खोलना पड़ा तो डायरेक्ट इंस्टॉल कर देंगे। इसको पहले ओपन कर देते हैं। एक चीज तो भूल ही गया आप लोगों को, पहले ऑस्टिन रेसिंग की आवाज सुनानी थी एक बारी, और लास्ट टाइम आवाज सुन लो ऑस्टिन रेसिंग की, कोई स्टार्ट हो रहा है कितनी लाउड है सुन लो। इसको यार फटाफट खोल देते हैं। ये देखो भाई ये आ चुका है बाहर। ऑस्टिन रेसिंग का एग्जॉस्ट था, छोटा सा कैन है। अब ये खाली बैंड पाइप है जो कि हेडर से निकल के आ रहा है। अब जो सरप्राइज है वो दिखा देता हूं। 1 2 3 लो भाई ये है हमारा सरप्राइज जो कि है योशिमोरा यूएसए, ठीक है भाई। इसको अभी लगाएंगे और इससे लुक भी यार बल्कि हो जाएगी, क्योंकि पहले कैन इतनी आती थी तो बाइक उतनी हैवी नहीं लगती थी। अभी ये देखो ये जैसे कैन लगेगी ना तो बाइक की लुक भी खतरनाक लगने लग जाएगी। तो इसको भी लगाएंगे और फिर आप लोगों को आवाज सुनाएंगे। ये लो भाई ये ऑस्टिन रेसिंग का बैंड पाइप था, ये भी खुल चुका है। तो भाई यार ये लगाने के लिए ना मुझे नया वाला पाइप ये खोलना पड़ेगा यार इसकी फेयरिंग को। इसको खोल देते हैं, घर पे सारा काम करना पड़ता है इसके लिए यार, यहाँ पे कोई मैकेनिक तो है नहीं, और बुलाएंगे तो यार उसने लेने हैं पैसे। तो यार जब खुद से ज्ञान है तो फिर मैकेनिक की क्या जरूरत। और वहां पे देखो भाई कौन सी बाइक लगी हुई है, उस पर भी लगाने वाले आज योशिमोरा, देखते हैं। यार इसकी फेयरिंग पूरी खुल गई है, फेयरिंग आ गई है बाहर, पूरी बाइक एक साथ नंगी हो गई है देख लो। अब आप लोगों को पूरा इंटीरियर समझ। ये देखो ये चार पाइप जो है ये आ रहे हैं इंजन से, मतलब हेड से आ रहे हैं, चार होके सीधा एक ये यहाँ पे आ गया। ये हमारा एक सेंसर है O2 का, और इस पर कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ देखो ये इंजन ऑयल का लेवल है जो कि बताता है, ठीक है, और सेंसर वगैरह है ये सब, और दो ठो यहाँ पे रेडिएटर दिया हुआ है। तो अभी इस वाले पाइप को इसमें लगाएंगे, खोला इसलिए क्योंकि यार प्रॉपरली लग जाएगा, क्योंकि यार अक्सर यहीं से खुल जाता है कि यार इसकी बीमारी है कावासाकी की, ठीक है। जब भी हम एग्जॉस्ट चेंज करते हैं ना यहीं से यार खुल के उड़ जाता है, इसको भी लगाते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ भाई मैं, क्योंकि लग गया बहुत ही प्रॉपर फिटिंग के साथ योशिमोरा का एग्जॉस्ट फुल सिस्टम। फिर से बता रहा हूँ योशिमोरा यूएसए, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सिस्टम, इंजन से चार पाइप आके। आवाज सुना देते हैं आप लोग को, ये डीबी किलर है। तो पहले तो भाई आप लोग को डीबी किलर के साथ ही सुनाएंगे, ये डीबी किलर लगा देते हैं, ठीक है। बस ये छोटा सा डीबी किलर है, चलो भाई डीबी किलर लगा दिया, ऑन करते हैं। चलो भाई ऑन करते हैं, अभी आवाज सुनो। भाई बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है। तो अभी डीबी किलर को रिमूव करते हैं, ये लो, और देखो पानी आ रहा है भाई, वेपर आ रहा है इसमें, यानी कि पूरा इंजन ओके है, बहुत ही शानदार आवाज आ रही है। तो भाई रेव करते हैं, देखो बैक फायरिंग, ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त भाई। तो
तो चलो यार अभी फ्रेम स्लाइडर। तो भाई ये देखो अभी लुक भी अच्छी लग रही है। अब आप देख लो यार यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर यार बहुत जरूरी है। मैंने बताया यार फ्रेंड की बाइक गिर गई थी तो फ्रेम स्लाइडर बहुत जरूरी है, छोटी गाड़ी हो या बड़ी हो, ठीक है फ्रेम स्लाइडर बहुत जरूरी है। ये देखो ये वाले मंगाए हैं, कावासाकी लिखा हुआ है इस पर, ब्रांडिंग करी हुई है, तो इसको भी लगा देते हैं इसमें। तो भाई यार बाइक बहुत सुंदर लग रही है अब एग्जॉस्ट के चलते, और साथ में एक फ्रेम स्लाइडर लगा दिया यहाँ पे, कावासाकी की ब्रांडिंग करी हुई है, और अभी इस साइड का फ्रेम स्लाइडर लगा रहे हैं ये देखो। और भाई बिट्टू भी हमें काफ़ी हेल्प करी है यार सारा। तो भाई साहब फाइनली 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 लग गया फ्रेम स्लाइडर, योशिमोरा का एग्जॉस्ट फिर से वंस अगेन थैंक्स टू मोटो किंग। एग्जॉस्ट मैंने वहीं से मंगाया था, प्रॉपर फिटिंग हुई है। अभी जाके देखेंगे क्या आवाज आ रही है नहीं आ रही है। टीवी किलर नहीं लगाया है, आवाज सुनो बहुत ही प्यारी आवाज आ रही है। ऑन करते आवाज सुनो। भाई यहाँ तक आ गए हैं रोड तक, और मतलब शानदार परफॉर्मेंस। पावर बढ़ाते हैं और आप लोगों को पावर चेक कराते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, क्या है नहीं है, क्योंकि पहले तो बाइक भगा नहीं पाते थे, अभी भगा के देख सकते हैं। कैसी लग रही है भाई साउंड बताओ यार। ओ माय गॉड, बैक फायरिंग भी आ रही है। अब लग रहा है यार अभी फायर भी आ रही है, बैक फायर। ओ भाई साहब निकालते हैं क्योंकि इस पे वाले एग्जॉस्ट पे बैक फायर बड़ी जोर निकल रहे हैं, बहुत ही मजेदार है। पीछे से आगे आ जा थोड़ा। अरे भाई बहुत जोर मारता है उधर से। बाप रे बाप, बाइक उड़ जाएगी भाई, खतरनाक आ रहे बैक फायर जी। आइए तो भाई साहब मतलब अब ना क्या हो गया देख लो, मैं कैसे बाइक भगा भी रहा हूँ। पहले डर लगता था भाई बाइक भगाने में, अभी वो ख़त्म हो गया भाई काम भगाने वाला डर, क्योंकि आवाज़ उतनी लाउड नहीं रही है, ठीक है मज़ेदार है। और अगर आप लोग बोलोगे सोनू भाई कि फिर से दोबारा से लाउड कर दो तो कर देंगे, क्योंकि यार जो है आप लोगों के लिए है कर देंगे यार, लाउड कर देंगे आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमेंट कर दो यार आप लोग। देखो भाई देखो मजेदार यार, क्या चलती है ZX NR।
मजेदार। बैक फायरिंग आ रही है, तो भाई चला जाए यहां से। और आगे आगे चल रही है अपनी ZX10R। ओ भाई ZX10R चल रही है यार, क्या लग रही है अब लुक एग्जॉस्ट की। ओ माय गॉड,